स्वागत है दोस्तों नहा धोकर आज के इस वीडियो में आप सभी का। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय क्या होती है तो हम लोग जानेंगे, उस पर आधारित क्वेश्चन भी करेंगे, आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो, बने रहिएगा। तो शेषफल प्रमेय को हम लोग दोस्तों समझ लेते हैं, बहुत मस्ती से पढ़ना है। अगर आप क्लास कर रहे हैं तो बहुत मस्ती से पढ़ना है। क्या होती है दोस्तों आपकी जो रिमाइंडर थ्योरम होती है, जैसे मान लिया मैंने कि मैंने कोई नंबर ले लिया, 17 ले लिया, इसे 3 से डिवाइड किया। इसे 3 से डिवाइड करने पर कितनी बार टेबल लगेगी, 3 × 5 = 15 यानी 5 बार टेबल लगेगी। तो लगा देंगे, 6 बार मत लगा देना यार, 5 बार ही लगेगी। 3 × 5 = 15 इतना आप जानते हैं, 3 × 5 = 15 नोट कर लेंगे, यहाँ नीचे लिख लेंगे। आपका शेष कितना बचा, 2 बचा। शेष आपका 2 बचा, ये क्या है, ये रिमाइंडर है, ये आपका रिमाइंडर है यानी शेषफल, और ये आपका क्यूटिएंट है यानी आपका भागफल, और ये आपका भाज्य है, भाज्य दोस्तों यानी कि आपका डिविडेंड, और ये आपका क्या है, भाजक है यानी आपका डिवाइजर। बहुत क्लियरली देखेंगे डिवाइजर, बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ने वाले हैं। डिवाइजर ये आपका भाजक, जिसे हम भाग करते हैं वो आपका भाज्य होता है, और जब भाग करने पर जितनी बार हम टेबल पढ़ते हैं वो आपका क्या होता है, भागफल होता है, और जो नीचे बचता है वो आपका रिमाइंडर यानी आपका शेषफल होता है। तो यहाँ से एक चीज़ जनरेट होती है, यहाँ से क्या जनरेट होता है दोस्तों, भाज्य बराबर भाजक गुणे आपका भागफल प्लस शेषफल। इंग्लिश में लिखे तो आपका डिविडेंड इक्वल टू हो जाएगा डिवाइजर इनटू क्यूटेंट प्लस रिमाइंडर। ये आपकी होती है, कोई कुछ भी कहे, लेकिन ये होती है आपकी क्या, रिमाइंडर थ्योरम। इस बस ये आपकी रिमाइंडर थ्योरम है, इस चीज को समझ गया। यानी जब हम ए को बी से भाग देंगे, सी टाइम लगाएंगे और डी आपका रिमाइंडर बचेगा, तो ये आपका क्यूटिएंट हो जाएगा यानी भागफल, ये आपका भाज्य हो जाएगा यानी डिविडेंड, ये आपका भाजक है दोस्तों, ये भाजक है, भाजक यानी डिवाइजर, आपका ये क्या है, रिमाइंडर शेषफल। क्लियर है यहाँ तक सबको, कमेंट बॉक्स में बताएंगे, अगर मज़ा आ रहा हो तो बताएंगे दोस्तों। ये आपकी क्या है, रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम। अगर स्पेलिंग कहीं पर मिस्टेक हो जाए तो चलता है यार, कभी कभी हो जाता है, क्योंकि कनाडा से हायर स्टडी है तो बहुत ऊंचे से पढ़ाऊँ तो इंग्लिश थोड़ा गड़बड़ हो सकती है। कोई दिक्कत नहीं, आपको चीज़ों को समझना है, बहुत हार्वर्ड नहीं जाना है, सिर्फ आपको कंपटीशन क्रैक करना है। तो आपकी रिमाइंडर थ्योरम दोस्तों कंप्लीट हो गई, अब इस पर आधारित हम सवाल लेंगे और उसे लगाएंगे। बस रिमाइंडर थ्योरम इतनी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। चलते हैं सवाल देखते हैं। तो पहला इजी सा सवाल लेते हैं दोस्तों, पहला इजी सा सवाल है आपका, 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर आपका भागफल जो है वो 11 मिलता है और शेषफल 20 मिलता है, तो भाजक कितना है। ऐसे सवाल आ जाते हैं, तो ऐसे सवाल बहुत इजी सिंपल सा पहला आपका सवाल है, क्या करेंगे, आपको क्या निकालना है, भाजक निकालना है यानी आपको डिवाइजर निकालना है। तो आप क्या करेंगे, आपका ये रिमाइंडर थ्योरम आपकी शेषफल प्रमेय लिखी, ये बहुत ही बहुत बढ़िया फार्मूला है, जिसे बहुत बढ़िया बोलते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ से भाजक आपको निकालना है, तो हम क्या करेंगे, भाज्य माइनस शेषफल, ये इधर आएगा शेषफल, तो माइनस का हो जाएगा,
शेषफल बटा आपका क्या हो जाएगा, भागफल हो जाएगा, क्योंकि भाजक आपको निकालना, भाजक उधर ही रखेंगे, तो भागफल मेरे दोस्तों आ जाएगा भागफल। भाज्य आपका कितना है, भाज्य आपका 1043, यानी जिसे भाग देना होता है वो भाज्य होता है, तो आपका 1043 हो गया भाज्य। शेषफल कितना है, 20 है, तो शेषफल 20 रख देंगे। भागफल आपका कितना है दोस्तों, भागफल आपका 11 है, यानी आपका 1023 बचा, 1023 बचा, और 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 9 99, आपका 3 बचा, 11 3 33, क्या मिला हमें दोस्तों, क्या मिला, भाजक, क्या मिला, भाजक मिला हमें, तो भाजक मेरा कितना हो जाएगा, 93 हो जाएगा। क्लियर है सबको, अगले सवाल पर बढ़े तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, अच्छा लग रहा हो बताइएगा, तो अगले सवाल पर बढ़ते हैं। दूसरा दोस्तों आपका सवाल है, 1000 में से छोटी कौन सी संख्या घटा दी जाए कि शेष आपकी जो संख्या बचे वो 19 से डिविजिबल हो, 19 से पूर्णतया विभक्त होना चाहिए। छोटी अपने आप पता है देवरानी को बोला जाता है। देखते हैं हम लोग फिर भाग करते हैं, 1000 आपका जो है उसे 19 से भाग करना है, 5 बार लगाएंगे 95 होगा, 5 बचेगा, 3 बार लगाएंगे 2 बार लगेगा दोस्तों, 2 बार लगेगा, 19 दूना 38 आपका 12 रिमाइंडर बचेगा। इस रिमाइंडर को 1000 यानी भाज्य से आपको माइनस कर देना है, आपका 988 बचा, ये संख्या ऐसी होगी जो 19 से पूर्णतया डिविजिबल होगी। क्लियर है सबको, बढ़ते अगले सवाल की तरफ। तीसरा दोस्तों आपका सवाल है, ये अलग टाइप का सवाल है, लेकिन ऐसी ट्रिक अप्लाई करेंगे कि सेकंड्स में दोस्तों ऐसे सवाल लगा देंगे हम लोग, बस ध्यान देते रहिएगा। 17 की पावर 200 में 18 से भाग देने पर शेषफल आपको निकालना है, रिमाइंडर क्या होगा। जब भी दोस्तों ऐसे सवाल आ जाए, पावर आपकी सम यानी इवन नंबर हो, आपकी पावर इवन है ना, तो 17 की पावर इवन हो तो 2 या 4 हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, पावर, इसे भूल जाते हैं, बस इवन है इतना काम हम देखेंगे, बस इवन हो, इवन होगी 2 या 4 मान लेंगे, उसका भी अभी कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। डिवाइड बाई 18, यही तो क्वेश्चन मेरा कह रहा है, क्लियर। 17 का आप स्क्वायर करेंगे 289 हो जाएगा, अब इसे 18 से आपको करना है डिवाइड, करिए 289 18 से डिवाइड करेंगे, 18 लगेगा और बचेगा आपका 10 9 18 95 और 18 छक्का आपका 108 हो गया, 108 को करेंगे हम यहाँ लिखेंगे, 108 हो गया, क्लियर। 9 से 1 घटाएंगे बाकी तो 0 बचेगा, तो आपका शेषफल क्या आया, 1 आया बस। बाकी का इतना देख के आप डर जाए और हाय राम अब क्या होगा, अब नहीं कर पाएंगे, तो बस उसकी शानदार ट्रिक है। अब क्लियर कर दूं बिल्कुल, जैसे 2 की पावर हम मान लेते हैं 318 को हम भाग देते 7 से, क्लियर, 7 से भाग देते हैं, अब शेषफल क्या बचेगा, तो सीधे आप 2 की पावर एक इवन नंबर है ना 318, आप क्या करेंगे 2 या 4 मान लेंगे, अच्छा 2 मानेंगे तो हम क्या करेंगे, 2 दूनी 4 होगा, 7 से छोटा रह जाएगा। इस दशा में हम क्या करेंगे, 2 की पावर 4 मान लेंगे, 2 और 4 का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, 2 की पावर 4 मानेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 को करेंगे 7 से भाग, 7 दूनी 14 आपका बचा रिमाइंडर 2, क्लियर है सबको, तो बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला आपका दोस्तों 4 नंबर सवाल है, एक और मजेदार सवाल आपके सामने, किसी संख्या को 156 से भाग देने पर 29 शेष बचता है, उसी संख्या को जिसे आपने 156 से भाग दिया उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा, ऐसा भी सवाल आ जाता है, इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट, एक होता इम्पॉर्टेंट एक होता बहुत इम्पॉर्टेंट, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है क्या है, 156 से किसी नंबर को यानी कोई नंबर है उसे 156 से भाग देते हैं तो आपका
भाग देने देते हैं, जैसे भाज्य होगा आपका भाजक क्या है 156 है, भागफल मैंने माना कि के आ गया, क्लियर है, भागफल के आ गया, शेषफल आपका क्या बचता 29, बिल्कुल क्लियर। क्या करेंगे इसे हम 13 से भाग देने पर, यानी दोस्तों 13 से भाग देने पर काहे में तोड़ लेंगे, 13 इंटू 12 आपका 156 हो गया, इसमें तोड़ लिया मैंने, प्लस 13 आपका इंटू 2 13 दूनी 26 हो गया, प्लस आप करेंगे 26 और 3 29, क्लियर है सबको, 13 12। अब क्या करेंगे हम 13 13 क्या कर लेंगे, कॉमन ले लें अगर तो अंदर क्या बचेगा 12 के प्लस 2 ये आपकी संख्या है प्लस 3, इस संख्या को आपको 13 से भाग देने पर आपका रिमाइंडर 3 बचेगा, आपका आंसर 3 आ जाएगा, क्लियर सबको। बढ़ते अगले सवाल की तरफ, चौथा दोस्तों अगला आपका सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है मेरे दोस्तों, इम्पॉर्टेंट डाल लीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है, किसी संख्या को 156 से भाग देने पर आपका रिमाइंडर जो है 29 बचता है, उसी संख्या को यानी जिसे आपने 156 से भाग दिया उस संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल आपको फाइंड करना है, तो क्या करेंगे जैसे अब देखेंगे इस फार्मूले की तरफ, आप अपनी शेषफल प्रमेय की तरफ देखेंगे, भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल आपका होता है, तो भाज्य यानी कोई संख्या है आपका भाजक कितना होगा 156 से भाग देते तो भाजक क्या होगा 156, आपका भागफल कितना आया के मैंने मान लिया इंटू के प्लस आपका रिमाइंडर कितना बचा 29, क्लियर है सबको, 156 यानी 13 इंटू आप 12 के करेंगे प्लस आप 29 जो है 29 को हम तोड़ लेंगे 13 दूनी 26 आपका और प्लस 3 26 3 29 हो जाएगा। अब 13 हम ले लेंगे कॉमन, यानी 13 से भाग देना है ना तो 13 कॉमन ले लेंगे 12 के प्लस आपका 2 बचेगा आपका रिमाइंडर 3, अब इस संख्या को 13 से भाग देने पर दोस्तों क्या बचेगा रिमाइंडर आपका 3 बचेगा, तो आंसर कितना आएगा 3, क्लियर सबको। बढ़े अगले सवाल की तरफ, पांचवा आपका दोस्तों सवाल है, किसी संख्या को 6 से भाग देने पर 3 शेष बचता है, उस संख्या के वर्ग को 6 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी है, ऐसा नहीं बहुत हार्ड है, तो क्या करेंगे किसी संख्या को 6 से भाग देने पर 3 शेष बचता, तो मैंने संख्या माना 6 n मान लेंगे प्लस 3 मान लेंगे, मान सकते हैं नहीं n कोई नंबर होगा, क्लियर यहाँ तक, आपका भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल क्लियर है, यहाँ इसे इसके वर्ग को 6n प्लस 3 यानी उसी संख्या के वर्ग को 6 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा, तो इसका वर्ग खोल देते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर आपने पढ़ा होगा, a स्क्वायर यानी 36, n स्क्वायर आपका प्लस b स्क्वायर यानी 9 प्लस आपका 2ab होता है, तो 2 3 6 6 36 n हो जाएगा, क्लियर। अब क्या करेंगे 6 से इस नंबर को भाग देना है, तो क्या करेंगे इसे एक स्टेप और कर ले अगर 36n स्क्वायर, आपका टेट के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, याद आ गया बता दूँ कि अब आपका टेट का जो सर्टिफिकेट होगा वो आजीवन यानी लाइफ टाइम वैलिड होगा, आपको हर 5 साल या 7 साल बाद पेपर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, शिक्षा मंत्री ने कल इस बात को कहा है, तो आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। देखते हैं 36n स्क्वायर प्लस 6 क्लियर, 3 हम लोग कर लेते हैं या 3 को उधर ले जाते हैं कोई दिक्कत नहीं, प्लस 36n कर लेते हैं प्लस 3 कर लेते हैं, इतना क्लियर, ऐसे बंद कर लेते हैं, कर सकते हैं, यहाँ से 6 हम कॉमन ले लें क्योंकि 6 से हम डिवाइड कर रहे हैं ना इस नंबर को हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ 6 6 36 आपका 6n स्क्वायर प्लस आपका 1 प्लस आपका 6 6 36 n प्लस 3, तो रिमाइंडर 6 से भाग करेंगे इस नंबर को तो रिमाइंडर कितना बचेगा
तीन बचेगा, आंसर आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर है सबको? एक सवाल और देख लेते हैं। 6 नंबर दोस्तों आपका सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, सारे इंपॉर्टेंट हैं। यदि भाजक भागफल का 6 गुना है और शेषफल भागफल का 3 गुना है, यदि शेषफल 21 है तो आपको भाज्य बताना है। क्लियर? सवाल को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे फिर हम अपने लेटेस्ट फार्मूले को अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? भाज्य जो है आपका, भाज्य लिखेंगे, बीच में भाज्य को भाग दिया जाता है। आपका जो शेषफल है यानी वो कितना दिया गया है, 21 है, 21 लिख देंगे। क्लियर सबको? यहाँ कह रहा है कि शेषफल भागफल का 3 गुना है, शेषफल जो है भागफल का 3 गुना है, यानी आपका भागफल 7 हो जाएगा ना, तभी तो 3 गुना 21 होगा, गुणे 3 लिख देते यार, 3 गुना आपका भागफल यदि 7 है तो आपका शेषफल 3 गुना 21 हो जाएगा। क्लियर? अब कह रहा है भाजक भागफल का 6 गुना है, भागफल का 6 गुना यानी 7 छंग 6 गुना 7 छंग 42। क्लियर सबको? तो अब मुझे मिल गया भाजक, मिल गया भागफल, मिल गया शेषफल, मिल गया, बचा क्या? भाज्य निकालना। भाज्य निकालने के लिए हम जानते हैं, भाज्य निकालने के लिए क्या करेंगे, हम भाजक की गुणा करेंगे, भाजक गुणे भागफल करेंगे, भागफल कितना है, 7 है, प्लस शेषफल कर देंगे, शेषफल कितना आपका 21, 42 सती यानी 7 × 14 के 4 करेंगे, 7 × 14 का 4 हासिल 1, 7 × 4 = 28, 1 × 29 में 21 जोड़ देंगे, 4 × 1 = 5, 9 × 2 = 11 हासिल 1, 315 कितना आएगा, 315 आपका क्या आ जाएगा, भाज्य आ जाएगा। क्लियर है सबको? तो आज के इस वीडियो में अगर मज़ा आ गया हो, रिमाइंडर थ्योरम हमने बताई है आपको, अब अगला वीडियो डिजिटल सम पर होगा, आधारित होगा। ऐसी मज़ेदार वीडियो पढ़ने के लिए, देखने के लिए, कुछ सीखने के लिए आप चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दोस्तों प्रेस कर दीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुँच जाएंगे टाइम टू टाइम। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।